नमस्कार, डीबी लाइव छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरों के साथ मैं हूं रेशमा। आइए देखते हैं आज की सुर्खियां। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह पर हमला, कहा भाजपा के आदिवासी नेताओं को रमन सिंह पीछे धकेल चुके हैं। सोशल मीडिया में विवादित पोस्ट पर 8 भाजपा नेताओं को नोटिस। ओपी चौधरी ने कहा पुलिस के अफसर कांग्रेस के दबाव में काम कर रहे। और छत्तीसगढ़ में कोरोना के 450 नए मरीज मिले, 3 लोगों की मौत। प्रदेश में अब तक 1761 एक्टिव मरीज, रायपुर में सबसे अधिक। छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि डॉक्टर रमन सिंह को कुछ समझ में नहीं आता है, कुछ का कुछ बोलते रहते हैं। भाजपा के सभी बड़े आदिवासी नेताओं को रमन सिंह पीछे धकेल चुके हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बिलासपुर के तोरवा क्षेत्र के कालीबाड़ी मैदान में आयोजित बंगाली नववर्ष और बिलासपुर बंगाली एसोसिएशन के शताब्दी समारोह में शामिल होने पहुंचे थे। मीडिया से चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि बंगाल का इतिहास बहुत प्राचीन है, देश के नवनिर्माण में बड़ा योगदान है। कई विभूतियों के साथ क्रांतिकारी और समाज सुधारक यहाँ पैदा हुए। रमन सिंह को कुछ समझ आता नहीं है, वो कुछ का कुछ बोलते रहते हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्रीय राज्य मंत्री रेणुका सिंह के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि उन्हें अपनी खुद की चिंता करनी चाहिए। डॉक्टर रमन सिंह को कुछ आता नहीं है और वो कुछ का कुछ बोलते रहते हैं। उन्होंने प्रदेश के बड़े आदिवासी नेताओं को बहुत पीछे धकेल दिया है। राम विचार नेताम, नंद कुमार साय, विष्णुदेव साय, ननकीराम कंवर इसके उदाहरण हैं। अब रेणुका सिंह बच गई हैं, इसलिए उन्हें अपनी चिंता करनी चाहिए। वो अपनी चिंता करें, अपनी पार्टी की चिंता करें। और आदिवासियों की जो दुर्गति, आदिवासी नेताओं की दुर्गति जो रमन सिंह ने किया, भारतीय जनता पार्टी ने किया है, अब अकेले रेणुका सिंह बच गई हैं। बचत राम विचार नेताम, नंद कुमार साय, ननकी राम कंवर, विष्णुदेव साय, वो सबको पीछे धकेलने का काम रमन सिंह और भारतीय जनता पार्टी ने किया। बता दें कि 2 दिन पहले बिलासपुर में केंद्रीय राज्य मंत्री रेणुका सिंह ने कहा था कि टीएस बाबा कमजोर हो गए हैं, सीएम नहीं बनने से टीएस असंतुष्ट हैं। मुख्यमंत्री का उम्मीदवार बताकर उन्होंने सरगुजा की जनता को ठगा है। भाजपा में प्रधानमंत्री तो छोड़ो, बूथ स्तर का छोटा सा कार्यकर्ता भी टीएस को नहीं बुलाएगा। सोशल मीडिया में विवादित पोस्ट करने के मामले में पुलिस ने भाजपा के 8 नेताओं के खिलाफ नोटिस जारी किया है। कांग्रेस ने आरोप लगाया था कि इन नेताओं ने प्रदेश की फिजा को बिगाड़ने का काम किया। हाल ही में कांग्रेस ने मामले की शिकायत रायपुर पुलिस से की थी। कांग्रेस नेताओं ने दावा किया कि भाजपा नेताओं ने सोशल मीडिया में भड़काऊ पोस्ट किए और धार्मिक विद्वेष फैलाने की नीयत से बयान दिए। कांग्रेसियों ने कहा कि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने तो छत्तीसगढ़ की संज्ञा पाकिस्तान और तालिबान से करके राज्य की जनमानस की भावनाओं को आहत किया है। कांग्रेसियों ने कहा कि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने तो छत्तीसगढ़ की संज्ञा पाकिस्तान और तालिबान से करके राज्य के जनमानस की भावनाओं को आहत किया है। नोटिस मिलने के बाद भाजपा के प्रदेश महामंत्री ओपी चौधरी ने इसे कांग्रेस का दोहरा चरित्र बताया। उन्होंने कहा कि पुलिस के अफसर कांग्रेस के दबाव में काम कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के विधायक बृहस्पति सिंह सरेआम मारपीट करते हैं, उन पर कुछ नहीं होता। आबकारी मंत्री कवासी लखमा बच्चों से कहते हैं कि नेता बनना है तो अधिकारियों का कॉलर पकड़ो। भाजपा और उनके कार्यकर्ता अन्याय के खिलाफ लड़ाई को लड़ते रहेंगे, चाहे जितने केस करें या हमें जेल भेजें। भाजपा नेता और विधायक बृजमोहन अग्रवाल ने कहा है कि कांग्रेसी डरे हुए घबराए हुए हैं, वे अपनी गलतियों को छिपाने के लिए लोगों के अधिकारों का दमन कर रहे हैं। बृजमोहन ने कहा कि भाजपा नेताओं द्वारा किया गया पोस्ट मैंने भी देखा है, उनके पोस्ट में ऐसा कुछ नहीं है कि इसे हेट स्पीच कहा जाए या लोगों को भड़काने वाला माना जाए। अगर सच बोल रहे हैं तो यह कौन सा हेट स्पीच है। छत्तीसगढ़ में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना संक्रमित 450 नए मरीज मिले हैं, वहीं 3 लोगों के इलाज के दौरान मौत हो गई है। प्रदेश में अब एक्टिव मरीजों की संख्या 1761 हो गई है। राजधानी रायपुर में एक्टिव मरीजों की संख्या 200 पहुंच गई है। बता दें कि राजनांदगांव, बिलासपुर और रायपुर के 3 मरीजों की इलाज के दौरान मौत हो गई है। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक कोमॉर्बिडिटी यानी कोरोना के साथ किसी अन्य गंभीर बीमारी की वजह से ये मौतें हुई हैं। इन आंकड़ों के अलावा औसत पॉजिटिविटी दर 10.40% हो गई है। पिछले 24 घंटे में सबसे ज्यादा 55 मरीज रायपुर में मिले हैं, जबकि सूरजपुर से 36 मरीजों की पुष्टि हुई है। इसी तरह बिलासपुर में 31, राजनांदगांव में 29 मरीज, धमतरी 27 और कांकेर में 27 केस, दुर्ग और कोरिया में 26, कोंडागांव, सरगुजा, बेमेतरा में 25 मरीज मिले हैं, महासमुंद में 21, बलौदा बाजार में 16, गौरेला पेंड्रा मरवाही में 12, रायगढ़ में 11 केस, दंतेवाड़ा में 10, बालोद में 9 मरीज, कोरबा, गरियाबंद, कबीरधाम, जशपुर और सुकमा में 5-5 कोरोना मरीजों की पुष्टि हुई है।
कर्नाटक में 10 मई को होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने 66 विधानसभा क्षेत्र में ऑब्जर्वर की नियुक्ति की है। इस लिस्ट में छत्तीसगढ़ से भी 3 नेताओं को नियुक्त किया गया है। बता दें कि रायपुर पश्चिम के विधायक और कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव विकास उपाध्याय, बिलासपुर से विधायक शैलेश पांडे और कांग्रेस नेता पंकज शर्मा को कर्नाटक चुनाव में विधानसभा ऑब्जर्वर बनाया गया है। इससे पहले भी विकास उपाध्याय को असम चुनाव के समय प्रभारी बनाया गया था। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।